रोज़े की हालत में सो रहे हैं और उसमें गुस्ल फ़र्ज़ हो गया तो कहते हैं कि रोज़ा टूट जाता है, आप क्या फरमाते हैं? नहीं टूटता। कुछ लोग ये भी समझते हैं कि थूक या बलगम निगल जाने से, अंदर ले लेने से रोज़ा टूट जाएगा या मकरूह होगा, इस बिना पर वो बार 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 थूकते चले जाते हैं, तो इस मुतालिक आप क्या फरमाते हैं? थूक और बलगम जितना भी हो निगल गया तो रोजा नहीं टूटेगा। अलबत्ता तबरी करात की सूरतें भी इसमें होती हैं, या यह कि ज्यादा थूक मुंह में जमा करके निगला तो यह भी नापसंदीदा है, अलबत्ता रोजा नहीं टूटता इससे। ये इरशाद फरमाई कि ये कहते कि रात में अगर गुसल फर्ज हो जाए तो अब रोजा शुरू होने के बाद कुली या नाक में पानी इफ्तार के वक्त हम ही अब मतलब डालेंगे, इससे पहले नहीं डालेंगे। गुसल तो करना है चाहे वो रोजा शुरू हो गया है, तो उसमें यह कि गरगरा ना करे, मगर यह कि हल्की जड़ तक एहतियात से पानी तो पहुंचाना होगा उसको हर जगह पर, और नाक में भी पानी थोड़ी एहतियात से चढ़ाना है कि दिमाग में ना चढ़ जाए। अगर दिमाग में पानी चढ़ गया तो रोजा टूट जाता है, जबकि रोजा याद हो, और ये वजू में भी एहतियातें करनी है। क्या उल्टी आने से रोजा टूट जाता है? वॉमिटिंग, उल्टी खुद ब खुद कितनी ही आए चाहे बाल्टी भर जाए रोजा नहीं टूटता। अलबत्ता खुद जानबूझकर मसलन उंगली वगैरह मुंह में डालकर उल्टी की और वो मुंह भर हो तो रोजा टूट जाता है, जबकि रोजादार होना याद हो। अच्छा, मुंह भर के माना ये होते हैं कि जैसे इसको तकल्लुफ के बगैर रोक ना सके, यूं करके रोका तो ये तकल्लुफ हो ना रुक गई, वरना ये फाटक खुला रहता तो धर्र करके जा रही थी, तो इस सूरत में भी रोजा तोड़ने वाली ही ये कह है। कहते हैं कि हालत रोजा में मिसवाक नहीं करनी चाहिए, आप क्या फरमाते हैं? गलतफहमी है, जिस तरह रोजे के अलावा मिसवाक सुन्नत है उसी तरह रोजे में भी सुन्नत है। कोई इसमें एहतियात है? एहतियातें हैं इसमें, बेहतर ये कि ऐसी मिसवाक इस्तेमाल की जाए जिसका टेस्ट और रेशे, टेस्ट या रेशे मुंह में ना रह जाए। अगर मिसवाक चबाने से रेशे छूटे या मजा महसूस हो तो ऐसी मिसवाक रोजे में नहीं करना चाहिए। अगर रोजा याद होते हुए मिसवाक चबाते, दांत मांजते, मिसवाक करते हुए इसका रेशा या कोई जूस यानी हिस्सा हल्क से नीचे उतर गया और इसका मजा हल्क में महसूस हुआ तो रोजा फासिद हो यानी टूट जाएगा। और अगर इतने सारे रेशे हल्क से नीचे उतर गए जो एक चने की मिकदार के बराबर हो तो अगरचे हल्क में जायका महसूस ना हो तब भी रोजा टूट जाएगा। ये भी ये बात आई है कि जब तक अजान होती रहे सहरी और खाना पीना जारी रखा जा सकता है। रोजे से अजान का ताल्लुक नहीं है, इफ्तार भी अब जहां मस्जिदें नहीं है आवाज ही नहीं आती अजानों की तो क्या करेंगे, तो इसलिए वो इनका ताल्लुक अजान से नहीं है, औकात से, टाइमिंग से। तो सहरी लोग करते हैं कि इधर की अजान की आवाज़ आ रही है, उधर की अजान की आवाज़ अभी नहीं आई, तो ये इल्म की कमी की वजह से ऐसा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम अजान नमाज के लिए होती है। कहते हैं कि ये चोट वगैरह लगने पर जो खून निकल आने या खून टेस्ट करवाने से रोजे पर कोई असर नहीं पड़ता, आप क्या फरमाते हैं? दुरुस्त है जिसने कहा कि रोजे पर कोई असर नहीं पड़ता। रोजे में इंजेक्शन लगाने से क्या रोजा टूट जाएगा? जी नहीं। अब ये कहा गया कि रोजे में इत्र या खुशबू सूंघने से रोजा टूट जाता है, ये भी गलत फहमी है, रोजे पर कोई असर नहीं पड़ता इसका। कुछ लोग समझते हैं कि जो मर्ज या किसी और दुरुस्त आरिदे या बगैर उजर के रोजा छोड़ दे तो फिदिया देना इसका मुतबादिल है, इसका नेमल बदल है। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो शेख फानी के लिए कि ऐसा बूढ़ा आइंदा उसको रोजा रखने की ताकत आने की उम्मीद नहीं है, ऐसा कमजोर पड़ गया है, रोजा बर्दाश्त होता ही नहीं है, तब जाकर फिदिये की सूरत बनेगी। इसमें भी यह देखना होगा कि अगर ये गर्मियों में नहीं रख पा रहा, ये सर्दियों में रख लेगा, तो रमज़ान शरीफ अगर गर्मी में तो सर्दी में कजा कर रहे, फिदिया अब भी नहीं है। अच्छा, अब भी यानी कि दोनों सीज़न में इसकी कैफियत है कि नहीं कर सकेगा ये रोज़ा रख, और इसने फिदिया भी अदा कर दिया। एक रोज़े का फिदिया होता है एक सदक़ा फितर की मकदार, तो अच्छा अब इसने फिदिया भी दे दिया, सब कुछ कर लिया और फिर इसमें ताकत आ गई रोज़ा रखने की, तो वो फिदिया नफल सदका हो गया। ओके, और रोज़ा कजा करे। कुछ लोग समझते हैं कि रोजे की हालत में ठंडक के लिए नहाना या कुली करना ये मकरूह है, क्या ऐसा ही है? मकरूह नहीं है, मना नहीं है। अगर परेशानी जाहिर करने के लिए कोई मतलब यानी कि कपड़ा लपेटता है या बार बार कुलियाँ करता रहता है तो उसका मतलब ये करना ये मुनासिब नहीं है। इबादत में दिल तंग होना ये अच्छी बात नहीं। कुछ लोग समझते हैं कि कुली करते हुए अगर गलती से पानी हलक से उतर जाए तो रोजा नहीं टूटता।
अगर कुल्ली करते हुए रोजा याद है और पानी हल्के से नीचे उतर गया तो रोजा टूट जाएगा, और अगर रोजा याद नहीं है तो चाहे जानबूझ कर पानी उतार दिया हल्के से नीचे तब भी रोजा नहीं टूटेगा। ये बात भी है कि जो खवातीन प्रेग्नेंट होती हैं, हमला होती हैं या दूध पिलाना इनको होता है तो उन पर रोजा फर्ज नहीं है। इन दोनों सूरतों में तो ऐसा नहीं है कि रोजा फर्ज ना हो, अलबत्ता बच्चे की जान का या बच्चे की माँ का यानी कि जान का खतरा है या कोई ऐसा मर्ज हो सकता है कि जो इलाज मुश्किल हो जाएगा, सख्त मर्ज जिसको बोलते हैं, इस तरह की कोई उज्र हो तब जाकर रोज़ा बाद में कज़ा करने की इजाज़त मिलेगी। सिर्फ इसको मतलब यह कि हाँ मिला है या दूध पिलाती है सिर्फ इस वजह से इजाज़त नहीं मिलेगी। दूध में भी यही है कि मतलब अगर वो दूध पिलाएगी तो वही जानों के खतरे हैं, इतनी कमज़ोर पड़ जाएगी कि दम तोड़ देगी, या बच्चे को दूध नहीं पिलाएगी बच्चा फौत हो जाएगा, तब जाकर रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है और बाद में कज़ा फिर भी फ़र्ज़ है। अगर खून की कमी है तो वीकनेस है, उसकी वजह से वीकनेस है तब क्या रोज़े में कोई रियायत है? इस तरह के जो भी अमराज है ना तो इसमें या तो अपना तजर्बा है कि मर्ज बढ़ जाता है या कि जान के लाले पड़ जाते हैं, खतरा जान चली जाएगी या अकल चली जाएगी वगैरह, एक तो अपना तजर्बा है तो रोज़ा कज़ा करने की इजाज़त मिलेगी, या कोई खौफ खुदा वाला डॉक्टर, बाद डॉक्टर बात में कहते हैं रोज़ा मत रखो, लेकिन कोई खौफ खुदा वाला अल्लाह रसूल की बातों को समझने वाला डरने वाला वो अगर मशवरा देता है तो फिर उसके मशवरे पर वो रोज़ा न रखे और बाद में कज़ा कर ले। वो यही कि अगर जो मैंने सूरत बताई कि मर्ज बढ़ जाएगा या देर में अच्छा होगा या जान चली जाएगी या अक्ल चली जाएगी वगैरह,